एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों में सैन लगाकर लाखों रुपए निकालने वाले शातिर इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि इनामी बदमाश नवनीत शुक्ला गोंडा जिले में है। आपको बता दें कि आरोपी पर धोखाधड़ी से दो लोगों के बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये नवनीत शुक्ला है जो गोंडा का रहने वाला है, और इसके ऊपर अल्मोड़ा में 2 420 के और ITA के मुकदमे दर्ज थे, और इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा अल्मोड़ा में दर्ज किया गया था। और इसके अलावा 2015 में इसके खिलाफ गोंडा ज़िले में ही मुकदमे दर्ज हैं 420 और ITA एक्ट के। तो ये हमारे यहाँ ये फरार चल रहा था, तो इसको इस पर 20,000 का इनाम था। तो हमारी SOG की टीम और जो हमारे लोकल थाना की टीम है, इन लोगों ने इसको कल गिरफ्तार किया।